मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। रिजर्वेशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हजारों की संख्या में लोग मुंबई को कूच कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के रूप में महाराष्ट्र समुदाय की पात्रता तय करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक नई तैयार सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करने जा रहा है। यह ओबीसी सर्वे 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। सर्वे के लिए करीब 1.5 लाख कर्मचारी लगाए गए हैं। दरअसल मराठा कोटे के लिए राज्य में लंबे समय से आंदोलन हो रहा है। सर्वेक्षण ऐसे समय में किया जा रहा है जब मराठा कोटा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं। आंदोलन के नेता विरोध मार्च निकाल रहे हैं। बीते मंगलवार को मार्च पुणे पहुंचा था, इसके बाद अब मुंबई पहुंचने वाला है। मनोज जरांगे ने कहा है कि उनकी यह रैली गणतंत्र दिवस के दिन मुंबई पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती है तो वे मुंबई में भूख हड़ताल करेंगे। मनोज जरांगे की मांग है कि मराठाओं को कुनबी समाज में शामिल किया जाए ताकि पूरी कम्युनिटी ओबीसी कैटेगरी में आ जाए और आरक्षण का लाभ ले सके। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा आयोग एक सर्वे शुरू कर रहा है, इसमें यह पता लगाया जाएगा कि मराठा कम्युनिटी के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं। बता दें कि इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को मनोज जरांगे ने जालान जिले से भूख हड़ताल शुरू की थी। मांग वही थी कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद राज्य सरकार के 4 मंत्रियों ने जरांगे से मुलाकात कर भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, साथ ही मराठा आरक्षण देने का वादा भी किया था। 2 नवंबर 2023 को मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया था, साथ ही सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया था। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33% यानी तकरीबन 4 करोड़ हैं। इसमें से 90-95% लोग भूमिहीन किसान हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों में 90% मराठा समुदाय से हैं। 1997 में मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला आंदोलन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुनबी यानी कि कृषि समुदाय से बिलोंग करते हैं। बता दें कि 2008 से 14 तक पूर्व सीएम शरद पवार और विलासराव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन दिया था। 25 जून 2014 को पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने एक प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया था। वहीं 14 नवंबर 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी थी। 2017 के जून में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन भी किया था। वहीं 30 नवंबर 2018 को स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया था। 3 दिसंबर 2018 को इस कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 27 जून 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैलिडिटी पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसे 16% से घटाकर 12% करने का सुझाव दिया गया था। वहीं 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने मराठा रिजर्वेशन को असंवैधानिक करार दे दिया था। वहीं 2023 के अगस्त से प्रदर्शन अभी तक जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है।